तो 2 दिन बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के बाद आज हमारा तीसरा और आखिरी दिन है एम्स्टर्डम सिटी में, और आज हम चिल आउट करने वाले हैं ज़ांटवर्ट बीच पर और देखने वाले हैं फेमस द रॉयल पैलेस। और अभी इस मेट्रो से हम आए थे। इसके बाद 1.5 किलोमीटर हमको वॉक करके जाना है टू रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन। लेट्स गो। ज़ांटवर्ट आन सी और ये है बीच। काफ़ी बड़ा बीच दिख रहा है यहाँ पर, और बीच के कॉर्नर्स में मुझे विंड मिल्स दिख रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को शायद नहीं दिख रहे होंगे, बहुत दूर है। एंड मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, और वो शिप जा रही है बड़ी वाली। लोगों ने यहाँ पे अपने अपने टेंट्स लगा रखे हैं पर्सनल, और सब मस्त बीच वाइब। लेट्स गो। हम लोग जा रहे हैं अब ड्रेस लेने, क्योंकि हम कुछ लेकर नहीं आए थे और काफ़ी मन कर रहा है हमारा, और हमने सोचा है कि यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो वहाँ पे मैट मिल रही है पीछे शॉप पे, तो वो मैट लेके आएंगे, फिर वहाँ पे रेस्ट करेंगे। चलो बैक टू द शॉप। ये जस्ट बीच के पास में एक शॉप थी। यस, वी आर डन विद द शॉपिंग। वी गॉट अ ड्रेस एंड अ मैट, और ये काफी प्यारी शॉप है यहाँ पर। हम लोग अभी तो शॉप से आए थे, हमने ये ड्रेस लिया वहाँ से, और ये मैट लिया है ये वाला, और अब हम जाने वाले हैं पानी में। चलो चलो। वेदर काफी अच्छा है। मेरे पीछे लोग अलग अलग वाटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ लोग सर्फिंग कर रहे हैं, कुछ स्विमिंग कर रहे हैं। पानी का टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है, तो सभी मज़े कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ पब्लिक वाटर एक्टिविटी नहीं है, आप बोटिंग नहीं कर सकते, पर ये क्लीन बीच है। तो जब भी आप समर डेज़ में मई से लेकर अगस्त के बीच में जब भी आएंगे, तो यहाँ पर आकर आप सन बाथ कर सकते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम खड़े हैं सिटी सेंटर में द रॉयल पैलेस के ठीक सामने। ये मॉन्यूमेंट नेदरलैंड के फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक है। ये पैलेस मैडम टुसो वैक्स स्टैचू म्यूजियम से बहुत पास में है। ओरिजिनली इन 17th सेंचुरी ये एक टाउन हॉल था। फिर इन 18th सेंचुरी किंग लुइस नेपोलियन ने इसे पैलेस में कन्वर्ट कर दिया।
टाइम टू चेक आउट। हमने सारा सामान पैक कर लिया है, बस डाउन स्टेयर्स जाना है और ये की हैंड ओवर करके ऑल डन। हमारा चेकआउट हो गया है और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा स्टे मिला। आप चलते हैं वापस म्यूनिक। बाय।